कितना नहीं जरा बताइए। मैम 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी रही है, 75 साल में यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो आज भी गरीब है, आज भी यहाँ की जो सड़कें वो भी खराब है, और उसके बाद यहाँ का जो विकास है वो 0% है। चलिए तृप्ति, यहाँ से इनका कहना है कि वाकई काम जो है जनता को राहत देने वाले, दोनों पार्टियों की आपस की लड़ाई तो जरूर जारी है लेकिन काम जरा गिना दे वो कि जनता से। लोकतंत्र में युवा की बड़ी भूमिका होती है, युवाओं से आप पूछ लेना चाहते हैं कि शिक्षा और युवाओं के विकास के लिए काम किसने किया, कितना ज्यादा किया और कहाँ कोई कमी रह रही है। मैडम कुंभलगढ़ एक ट्राइबल बेल्ट है, एक आदिवासी इलाका है, और जब देश आजाद हुआ, जब पूरे देश कांग्रेस की राज था और यहाँ के आदिवासियों को इतना प्रताड़ित किया गया, यहाँ के जब भैरव अपने ये देवपुरा जी मुख्यमंत्री बने और जब आदिवासियों की बात आती थी तो एक देवपुरा जी कहते थे कि अगर मैं तुम्हारा रोड, हम आदिवासी जाते हैं उनके पास साहब हमारे पास रोड नहीं है, तो वो यूँ कहते थे कि मैं रोड तो बनाऊंगा तुम्हारे, पर तुम महुआ की दारू निकालते हो तो गाड़ी पुलिस की लें तो गाड़ी तुम्हारे पास में आएगी, तो वो कहते थे कि हमारा रोड नहीं बनाना, ऐसा भ्रमित किया। और जब शिक्षा की बात आती है मैडम, हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, एक घर के अंदर एक मान के अंदर 5 और 6 बच्चे है, जंगलों में रहते हम, और हमारे पास शिक्षा की इतनी वो डेवलपमेंट नहीं, इतना पैसा नहीं कि हम पढ़े कर सके। इनका कहना है कि युवाओं के लिए अगर किसी ने विकास किया, शिक्षा को लेकर किसी ने विकास किया तो वो भाजपा ने किया। जरा पूछिए कितना सही और कितना गलत है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। अगर यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र है तो क्या यहाँ पर शिक्षा को लेकर काम आपकी सरकार ने किया है? शिक्षा को लेकर खूब काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कॉलेज खुला है वो कांग्रेस के काल में खुला, और विधायक साहब जो रहे गणेश सिंह जी परमार, उन्होंने यहाँ पर कॉलेज खोला, महाविद्यालय, जिसकी मांग भी मेरे ख्याल से बीजेपी के किसी आदमी ने नहीं उठाई। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं आदिवासी बेल्ट की, मेरे ख्याल से उम्र इनकी 21 साल है पर बात 70 साल की कर रहे हैं। यहाँ पर एक घर से दूसरे घर पे जो रास्ता है वो ले जाने का काम भी राजीव गांधी योजना से हुआ, जहाँ पर खंबे ले गए बिजली का वो भी राजीव गांधी की योजना से हुआ। रही बात यहाँ की तो मैं आप बताना चाहूंगा, जब मेरे फादर साहब एमएलए थे, 27 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले, 13-33 के भी जीएसएस के पॉइंट खोले, 4 PHC खोले जो कि चिकित्सा है, 1 CHC 4 भुजा में खोला, 1 तहसील 4 भुजा कराई जो अभी तहसील हुई है, 1 कॉलेज खोला है, 1